पर नजर HR न्यूज। सहवन शरीफ से खबर शामिल करते हैं। हमारे HR न्यूज के रिपोर्टर शफीक अहमद चन्ना से वजीर आला सिंध से मुराद अली शाह एक रोजा खसूसी दौरे पर सहवन शरीफ पहुंच गए। वजीर आला सिंध ने एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मंचर झील का फजाई दौरा मीडिया से गुफ्तगु। वजीर आला सिंध से मुराद अली शाह एक रोजा खसूसी दौरे पर सहवन शरीफ पहुंच गए। मंचर झील का फजाई दौरा क्या आपाशी अमलदारों की जानिब से वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला सिंध ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मंचर झील का मुआयना किया है। पानी की सतह 16x5 है। 2010 में बचा बंद का काम करवाया था। शुक्र है इस बार बचा बंद को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हालिया बारिशों और सैलाबी पानी से कच्चे के इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ। हालिया बारिशों के बाद सेवन के 6 देहात के 65 मकान मुकम्मल तबाह जबकि कच्चे के इलाके में 110 घर मुतासर हुए हैं जिनको जल्द अज जल्द घर और इमदाद के तौर पर राशन का बंदोबस्त किया जाएगा। दरियाए सिंध में पानी की सतह ज़्यादा होने के बायस मंचर का पानी कम खारिज हो रहा है। मंचर झील में दूसरे सूबों का भी पानी जमा होता है। वज़ीर आला सिंध ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सदर मुमलिकत आईनी जिम्मेदारी के पाबंद हैं। ऐसा सवाल ही नहीं कि वो तआवुन नहीं करेंगे। जजेस के मामले पर मसला हो रहा है, सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ करना चाहिए। हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। तो सदर मुमलिकत पाबंद होते हैं आईन से कि जो भी वज़ीर आज़म या काबीना उनको भेजे चीज उसको उन्होंने उस पर अमल करना होता है। उनकी पाबंदी होती है, कुछ दिन होते हैं जहाँ पे वो कर सकते हैं। तो वो कोई ऐसे सवाल नहीं कि ताउन करेंगे या नहीं करेंगे। आईनी उनका उनके ऊपर